हेलो फ्रेंड, फटाफट से उठा लीजिए पेन पेपर, उसमें काउंटिंग लिखिए 1 से लेकर के 100 तक। अगर आपके पास में OMR शीट है तो आप उसको रख लीजिए अपने पास में, क्योंकि आज आप करेंगे रियल एग्ज़ाम। जी हाँ, एक मॉक टेस्ट जो आपका होगा, कौन से ईयर का वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन फटाफट वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्योंकि आज आपका एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। अगर आपका स्कोर अच्छा रहता है तो मुझे आप कमेंट करेंगे, स्कोर बेकार रहता है तो मुझे आप कमेंट कम से कम प्लीज़ मत करिएगा। बस अपने आप से पूछिएगा कि अब तक क्या करा, टाइम पास या फिर कुछ और। अगर आप राय चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं अपना कम स्कोर, उसके बाद में मैं आपसे बात करूँगा फ़ोन पे। मे बी शायद मेरी बात आप समझ पाएँ, वरना फिर वक्त की जुबान नहीं होती, लेकिन वक्त समझाता बहुत अच्छा है जब बोलने पे आता है तब। थिंक अबाउट इट। चलिए, आज हम वीडियो में बात करेंगे RRB अहमदाबाद लोको पायलट टेक्नीशियन परीक्षा 15/6/2014। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप सोचते हैं कि मैं तो अहमदाबाद में हूँ नहीं, तो मेरे लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देता हूँ, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, अगर आप एग्ज़ाम देते हैं ALP का तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट करिए ध्यान से, मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा, आपको उसका आंसर बताऊंगा, मेरे आंसर से आप अपना आंसर टैली करना। राइट आंसर हो तो 1 नंबर देना, गलत हो तो क्या करना है, आप समझदार हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिस्टेरिसिस और भंवर धारा हानियाँ निम्नलिखित में से कम होती हैं किसमें? पहला ऑप्शन है MI माप यंत्र, सेकंड डायनमोमीटर, थर्ड MC माप यंत्र, या फिर इनमें से सभी। तो फटाफट बताइए फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। ज़्यादा समय लेना नहीं है आपको, फटाफट क्वेश्चंस पढ़ना है। तो इसका राइट आंसर है आपका B। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के घरेलू सप्लाई की जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है? 250 से 300, 110 से 220, 220 से 230, 400 से 420। सेकंड राइट आंसर होगा इसका 220 से लेकर के 230 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सप्लाई की वोल्टेज हमने देखी 220 से 230 होती है। अब क्वेश्चन इसने देखिए कुछ इसी टाइप का पूछ रहा है इस एग्जाम में, दूसरा और तीसरा। भारत में सप्लाई की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 50 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, 25 या फिर 60। थर्ड इसका राइट आंसर होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 4, किस बाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है? प्राइमरी, सेकेंडरी, उच्च वोल्टेज एंड लो वोल्टेज। फटाफट से लगाइए इसका राइट आंसर, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ए, प्राइमरी बाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 5, पावर ट्रांसफार्मर की आयरन कोर पटलित, इसको बोलते हैं लेमिनेटेड, होती है किसकी? कॉपर हानियाँ कम करने के लिए, हिस्टेरिसिस हानियाँ कम करने के लिए, भंवर धारा जो हानि होती है उसको कम करने के लिए, ए और सी दोनों। तो 5 का राइट आंसर दीजिए बच्चों, तो 5 का राइट आंसर बनेगा ए और सी दोनों। ये क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस आप वो क्वेश्चन देख रहे हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप भी अब तक 5 में से अगर आपने एक भी आंसर नहीं दिया तो अपनी गलती को एडमिट करिए, स्वीकार करिए। नया साल स्टार्ट हो चुका है, अभी से ठान लीजिए कि अपनी कमियों पर काम करना शुरू करना है अभी से। कल पे मत छोड़िए कुछ भी, जो करना है अभी करना है। क्वेश्चन नंबर 6 अभी करना है, तो पढ़ते हैं इसको हम लोग। ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस हानियां कम की जा सकती हैं। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, आयरन कोर पटलनों की मोटाई कम करके, स्टील पटलनों सिलिका अंश घटाकर, ट्रांसफार्मर पर लोड कम करके, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो सिक्स सिक्स का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, सीलिंग फैन जिसमें संघनित्र वहन मोटर लगी होती है उसमें क्या होता है?
सेकेंडरी बाइंडिंग के चारों ओर प्राइमरी बाइंडिंग होती है, प्राइमरी के चारों ओर सेकेंडरी होती है, या फिर दोनों ही व्यवस्थाएं आम हैं, या फिर डी इनमें से कोई भी व्यवस्था आम नहीं। तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर। तो 7 का राइट आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 8, विशिष्ट प्रतिरोधी परिपथ में क्या होता है? धारा वोल्टेज के साथ में 90 डिग्री द्वारा फेज में रहती है, धारा वोल्टेज के साथ में 90 डिग्री पीछे रहती है, धारा वोल्टेज में 90 डिग्री आगे रहती है, या फिर धारा वोल्टेज में 90 डिग्री आगे और पीछे कहीं पर भी रह सकती है, मन मर्जी की मालिक है। तो बताइए 8 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो 8 का राइट आंसर रहेगा आपका, ये होगा आपका ए। ठीक है, बड़े क्वेश्चन नंबर 9, किस चालन सामग्री मतलब कंडक्टिंग को गर्म करने से उसकी चालकता क्या होगी, बढ़ेगी कम होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर बढ़ भी सकती है घट भी सकती है? तो बताइए 9 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो 9 का जो राइट आंसर रहेगा वो होगी कम। क्वेश्चन नंबर 10, सर्व आधार विन्यास प्रवर्धक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस एम्पलीफायर का प्रयोग किया जाता है कब? निम्न आवर्ति परिपथन में, अति उच्च आवर्ती परिपथन में, मध्यम आवर्ती परिपथन में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो 10 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका निम्न आवर्ती परिपथन में। क्वेश्चन नंबर 11, एन किस्म के अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहक होते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन, होल, मुक्त इलेक्ट्रॉन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो 11 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी। देखिए पढ़ने की स्पीड आपको ऐसी रखनी है जैसे मैं पढ़ रहा हूँ स्पीड में। अगर आप हौले हौले आराम आराम से पढ़ते हो तो आपका टाइम मैनेज हो नहीं पाएगा एग्ज़ाम में। तो अभी से स्पीड में क्वेश्चंस को पढ़ने की प्रैक्टिस करिए और आपको ए बी सी डी ये नहीं बोलना है एग्ज़ाम में। ठीक है, गॉट इट? बड़े क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता है कि अर्धचालक की विशिष्ट चुंबक शीलता होती है क्या? अनंत, शून्य, इकाई, धनात्मक। 12 राइट आंसर होगा इसका बी, शून्य। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जीनर डायोड तब तक कार्य करेगा जब तक इसे निम्नलिखित चालन में रखा जाए, अर्घ चालन, निष्क्रिय चालन, पास चालन, इनमें से कोई भी नहीं? तो 13 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, रेडियो संचार में संचार का माध्यम होता है एंटेना, रेडार, अंतरिक्ष, उपग्रह। 14 राइट आंसर बनेगा इसका सी, अंतरिक्ष। क्वेश्चन नंबर 15, ध्वनि डैश और आयाम द्वारा अभिलक्षणित होती है वेग, पिच, आवृत्ति, माध्यम। फटाफट दीजिए इसका आंसर। 15 का राइट आंसर है आपका सी, आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है 16 की एलईडी प्रकाश के उत्सर्जित होने का मुख्य कारण क्या होता है? अगेन क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से, वीडियो को पॉज करके बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 के हमको क्या क्या ऑप्शन दिए थे उसने एग्जाम में? पहला ऑप्शन था डायोड गर्म होने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है, परिवर्तन का संयोजन होता है, वह प्रकाश नियमों का पालन करता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो 16 का राइट आंसर है आपका परिवर्तनों का संयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 17, सेतु दृष्टिकारी को आमतौर पर प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इनको कम इनपुट की आवश्यकता होती है, इनको बड़े साइज के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, इनको कम चरम उत्क्रम होता है, इनमें से कोई भी नहीं? तो 17 राइट आंसर दीजिए, दीजिए राइट आंसर। राइट आंसर है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 18, CRO की क्षैतिज प्लेट पर निम्नलिखित लगाई जाती है ताकि सिग्नल के तरंग रूप को देखा जा सके, आरादंती तरंग, ज्वार क्रिया तरंग, कोजिया तरंग, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो 18 का राइट आंसर है आपका ए, आरादंती तरंग। क्वेश्चन नंबर 19, चलचित्र निम्नलिखित पिक्चरों को श्रेणी के रूप में प्रदर्शित करता है, स्थिर, गतिमान, द्रुत गतिमान, इनमें से कोई भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 19 राइट आंसर होगा इसका ए, स्थिर। क्वेश्चन नंबर 20, टीवी पिक्चरों में गति का दृष्टि भ्रम निम्नलिखित में से संबंधित है,
रेडियो रिसीविंग सेट से, रेडियो मॉनिटरिंग सेट से, स्मूथ और अविराम पिक्चर के लिए टीवी स्क्रीन पर दृश्यों का प्रकट होना, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो 2020 का राइट आंसर बनेगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 21। टीवी सेट में यदि 36 प्रवर्धक में दोष हो तब इसका निम्नलिखित परिणाम होगा। रास्टर नहीं होगा, ध्वनि नहीं होगा, पिक्चर नहीं बनेगी, या फिर इनमें से सभी। 21 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका इसमें पिक्चर ही नहीं बनेगी, मतलब सी। क्वेश्चन नंबर 22। टीवी में धुंधली पिक्चर निम्नलिखित में से किस दोष का परिणाम होती है? जब एंटीना खराब होता है, आरएफ प्रवर्धक होता है, पावर सप्लाई में दिक्कत आती है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 22 राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23। विमान निगरानी रेडार अधिकांश मामलों में निम्नलिखित में ऑपरेट करता है, किसमें? एक्स बैंड में ऑपरेट करता है, एल बैंड में, सी बैंड में, इनमें से कोई भी नहीं। 23 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी, एल बैंड। क्वेश्चन नंबर 24। अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी के रूप में डैश कार्य करती है क्या? चालक, अर्धचालक, पैरावैद्युत, चालक और अर्धचालक। 24 राइट आंसर होगा इसका पैरावैद्युत। 25 नंबर है, चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, इसके परिच्छेद के उत्क्रमानुपाती होता है, सामग्री के प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है, या फिर इनमें से सभी। 25 का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 26। संधारित्र की धारिता मतलब कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर है क्या? प्लेट के क्षेत्रफल के साथ साथ ये बढ़ेगा, प्लेटों के बीच दूरी में कमी के साथ बढ़ती है, या फिर प्लेटों को पृथक करने वाले माध्यम के पैरावैद्युत नियतांक में वृद्धि के साथ बढ़ेगी, या फिर इनमें से सभी, ए बी सी, मतलब तीनों। तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सोचिए मत ज़्यादा, देखिए, क्योंकि जीएस में जो आता है सो आता है, जो नहीं आता है वो अपने हाथ से जाता है। तो आपको विचार नहीं करना है, बस समझते हुए क्वेश्चंस को पढ़ना है, ऑप्शंस को पढ़ना है। 2-3 सेकंड सोचने का समय लीजिए, ज़्यादा सोचने में समय खराब मत करें। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप टच करिए, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो प्लीज़ रिस्क मत लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27। प्लग टॉप पिनों में हल्की सी झिर्री काटी जाती है क्यों? टर्मिनल को ठंडा करने के लिए, प्लग पिनों और बेलनाकार सॉकेट टर्मिनलों के बीच में स्प्रिंगदार संपर्क बनाने के लिए, धातु की बचत के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, टर्मिनल को ठंडा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28। VIR वायरों में कॉपर के चालक पर सदैव टीन की परत चढ़ाई जाती है क्यों? चालक को जंग लगाने से बचाने के लिए, इसे अच्छा आभास देने के लिए, कॉपर के चालक पर सल्फर अंश के आक्रमण को रोकने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। 28 का फटाफट दीजिए राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर, फटाफट देने का टाइम अप, तो इसका राइट आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 29। परिपथ व्यंजक और रिले की तुलना में HRC फ्यूज एक बेहतर संरक्षी युक्ति है विद्युत चुंबकीय प्रतिबलों के विषय में, उसमें प्रतिबलों के विषय में, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 29 राइट आंसर होगा इसका आपका बी, उसमें प्रतिबलों के विषय में। क्वेश्चन नंबर 30। मोटर परिपथ में लगी होती है क्या? ओवरलोड प्रोटेक्शंस, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शंस, सी उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 30 का जो राइट आंसर है वो है आपका सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से किस उर्वरक में उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा अधिकतम होती है? अमोनिया सल्फेट में, क्षारीय कैल्शियम नाइट्रेट में, कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट में, या फिर यूरिया में। 31 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका यूरिया में। क्वेश्चन नंबर 32। बंक मिस्टर फ्लोरेंस C60 में विद्यमान वलयों की संख्या कितनी होती है? 8, 16, 24, 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी, 32। क्वेश्चन नंबर 33। ऑक्साइडों पर विचार कीजिए। Na2O,
MgO, Al2O3 या फिर CuO? सोचिए, विचार करिए। 33 राइट आंसर, 4। अगला क्वेश्चन है, यह है इसका अवरोही क्रम। क्वेश्चन नंबर 34। जब कोई पिंड किसी तल में किसी नियत अक्ष के प्रति घूर्णन करता है, तब इसका कोणीय संवेग निम्नलिखित दिशा के साथ में निर्देशित करता है। त्रिज्यीय रेखा, कक्षक की स्पर्श रेखा, घूर्णन तल से 45 डिग्री पर रेखा या फिर घूर्णन अक्ष। 34 राइट आंसर, डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। ध्यान से पढ़िए इसको और सही क्रम क्या है हमको बताना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए। 35 का राइट आंसर बनेगा आपका सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित बीटा किरणों में होता है क्या? विद्युत चुंबकीय विकिरण, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर खाता इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण या फिर उदासीन कण। 36 राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 37। ग्रीस रोल जो अपने क्वथनांक पर विखंडित हो जाता है, उसको निम्नलिखित द्वारा शुद्ध किया जाता है। भापाशवन के द्वारा, ऊर्ध्व पातन के द्वारा या फिर भंजक आसवन के द्वारा या फिर समानित दाब पर आसवन। 37 राइट आंसर होगा इसका डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। किसी पिंड में निहित कुल गति कहलाती है आवेगी बल, द्रव्यमान, भार, संवेग। 38 राइट आंसर डी, संवेग। क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 39 है, 1 किलोग्राम वाट निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? 989, 9.8 एन, 8.9 या फिर 980। 39 राइट आंसर लगा लीजिए फटाफट, 9.8। क्वेश्चन नंबर 40। हुक नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? पराभव बिंदु पर, प्रत्याशित सीमा पर, संघटित या सीमा पर या फिर त्रुटन बिंदु पर। 40 राइट आंसर बी। 41 नंबर है कि मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव्य की मात्रा प्रति इकाई तापमान कहलाता है क्या? आपेक्षिक भार, द्रव्यमान घनत्व, आपेक्षित घनत्व या फिर इनमें से कोई नहीं। 41 राइट आंसर बी, द्रव्यमान घनत्व। क्वेश्चन नंबर 42 है, गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती हैं, जिसका कारण जल का निम्नलिखित गुण है क्या? पृष्ठ तनाव, संपीड्यता, कोशिकता या फिर विस्कासिता। 42 का राइट आंसर बनेगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 43। यथार्थ दाब निम्नलिखित के बराबर होता है किसके? गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब, गेज दाब माइनस वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब माइनस गेज दाब या फिर गेज दाब माइनस निर्वात दाब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और इम्पोर्टेंट भी। 43 राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 44। किसी जल निगमन पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है वो कहलाता है क्या? गुरुत्व केंद्र, गंभीरता केंद्र, दाब केंद्र या फिर उत्प्लावन केंद्र। तो 44 का राइट आंसर है आपका डी, उत्प्लावन केंद्र। क्वेश्चन नंबर 45। उत्प्लावकता निम्नलिखित पर निर्भर करती है, दाब जिसके साथ द्रव पर विस्थापित होता है, विस्थापित द्रव का भार, द्रव की विस्कासिता, द्रव की संपीड्यता। तो 45 राइट आंसर बी, विस्थापित द्रव का भार। क्वेश्चन नंबर 46। नियत आयतन पर गैस का इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है क्या? अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नियत आयतन पर गैस के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाएगी? नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, किलो कैलोरी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो 46 राइट आंसर ए, नियत
आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 47, सुरक्षा वाल्व का कार्य क्या होता है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्य चालन दाब से अधिक हो जाए तब, भाप का बाहर निकलना, या बॉयलर के भीतर जल स्तर इंगित करना, भाप बॉयलर के भीतर भाप का दाब मापना, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 47 राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण स्थायी तौर पर रह जाता है कहलाता है क्या? भंगुरता, तन्यता, अघात वर्धनीयता, या फिर संघुटता। तो 48 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, चालक का प्रतिरोध होता है क्या? इसकी लंबाई के समानुपाती, अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्र के उत्क्रमानुपाती, या फिर पदार्थ के प्रतिरोधकता के समानुपाती, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो 49 राइट आंसर है इसका डी, इनमें से कोई भी नहीं। बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 50 की ओर की। निम्नलिखित की कार्यप्रणाली में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है किसमें? लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बनेगा आपका डी, जी, इनमें से कोई भी नहीं। आज हो रही है रिकॉर्डिंग 31 दिसंबर को, और आसपास कुछ डीजी की आवाज़ आपको आ रही होगी क्योंकि एंजॉय सब करते हैं, आप भी एंजॉय करोगे अपने सिलेक्शन के बाद में। नया साल आपका असली तभी बनेगा जब आपका सिलेक्शन कहीं पे हो जाएगा। आई थिंक अगला साल 2018 जो आने वाला है, जो आ चुका है एक्चुअली, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी खुशी का एक गुमार लेके आएगा। इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा। बस यही कहना चाहूँगा कि इस 50 क्वेश्चंस में से आपका क्या स्कोर रहा मुझे कमेंट जरूर करें। और रही बात ये सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस की, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए ये जो पार्ट आप देख रहे हैं एमसीक्यू बुक जो है वॉल्यूम 2 की, इसके काफ़ी सारे वीडियो बन चुके हैं हमारे चैनल पर। 17 से 18 40 क्वेश्चंस प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे आपके हर एक पार्ट में, वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आने, आपको पता होगा इसके बारे में, तो 80 के बाद ही आपके ये जो है गणित एवं तर्क शक्ति, रीजनिंग और मैथ केवल 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, तो आप देख लीजिएगा एक बार। तो फिलहाल मुझे स्कोर भेजिए, लेता हूँ इसी के साथ अलविदा। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। अगर ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए मैक्सिमम विद द हेल्प ऑफ फेसबुक, व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।